बहुचर्चित कलाहांडी जिला के गाँ थाना अंतर्गत महालिंग सनशाइन पब्लिक स्कूल रो अध्यक्षा ममिता मेहर हत्या मामलें आज बलांगीर जिला कंटाबंची एडीजे कोर्टे शुणाणी शेष होई छी। कोर्ट एही मामलार मुख्य अभियुक्त गोविंद साहू रो जामिन आवेदन को खारज कर दैछंती। विचार विभागीय जेल हाजत रे थिबा गोविंद रो जामिन पई तांको वकील मोहनलाल शर्मा कोर्टे आवेदन करथिले। मान्यवर कोर्ट एने समय निर्धारित करबा परे आज अर्थात 21 रे शुणाणी करथिले। कोर्ट एने पुलिस देथिबा समस्त तथ्य एवं केस डायरी को देखि पर दुई पक्ष को शुणिला पर यार फैसला करते तेब यार फैसला रे मान्यवर एडीजे जामिन को खारज करपक्ष गोविंद वकिल यहाँ विचार कर आग को पदक्षेप निज प्रतिक्रिया रखिंट। विजु पक्काघर योजन सामिल होता हिताधिकारी खुशी खबर आई योजन पक्काघर पाई हिताधिकारी मरामती राज्य सरकार 3000 टंका लेखाएं सहायता राशि प्रदान करे। विजु पक्काघर और निर्माण श्रमिक पक्काघर हिताधिकारी सहायता मिल खणी अंचल पक्काघर योजना हिताधिकारी भी सहायता मिल राज्यवासी को समाधान कर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आज सन्धार यह घोषणा कर सद्य नवजात शिशुकन्या पोखरी में भासुता बेले उद्धार कर गंजाम जिला बेगुनियापड़ा सिद्धेश्वर मंदिर सम्मुखे नुआबद्ध पोखरी में एभली एक दृश्य देखा मिली। सोमवार अपराह्न में गोटे नवजात शिशु भासुता बेले स्थानीय लोके देखा पाई पोखरी उद्धार कर उक्त नवजात शिशुटी कन्या शिशु बोली जमापड़ा। स्थानीय बेगुनियापड़ा फांडी पुलिस खबर पाई उक्त शिशुकन्यार मृत शरीर उद्धार कर आज पोस्टमार्टम पर पठा जाए। एने एक अपमृत्यु मामला रुजुक घटनार अनुसंधान आरंभ कर पुलिस तबे पापगर्भ को लुचाइबा लगे केही एपरि करथाइपरे बोली आलोचना होची। पंचायत निर्वाचन पूर्वरु मार्थान शिलान्यास उद्घाटन कटक बड़ांबाठारे महानदी उपरे राज्यर सबुठारु लंबा सेतु उद्घाटन कराइछि। सोमवार मुख्यमंत्री हेलिकप्टर जाई एहार उद्घाटन करिछन्ती। एथिपाई उभय सरकार एवं विजु जनता दल पक्षर व्यापक प्रस्तुति कराइथिला। प्रयागराज रे प्रधानमंत्री मोदी स्वागत करछन्ती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तृणमूल स्तर रे केमिति महिला सशक्तिकरण होई परबो उक्त कार्यक्रम रे शामिल होइछन्ती प्रधानमंत्री। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला को प्रयागराज ठारे एक बड़ उपहार देइछन्ती। पीएम दीनदयाल अंत्योदय योजना माध्यम रे स्वयं सहायक गोष्ठी रो महिला मानक अकाउंट को 1000 कोटि टंका ट्रांसफर करछन्ती नरेंद्र मोदी। या फल रे देशर ग्रामांचल रे बसवास प्राय 16 लक्ष महिला उपकृत हेबे बोली कुआ जाइछि। गंजाम ग्रस्तरे बीजेपी सभापति और संपादिका एहि अवसरें गंजाम कविसूचनक ठारे आज संध्यारे बीजेपी राज्य सभापति समीर महांतिंक समेत राज्य साधारण संपादक लेखाश्री सामत सिंहार प्रभारी सुरथ विश्वाल जिला सभापति गुक्रनंदा मल्लिक उपसभापति अनिता प्रियदर्शनी को आज कविसूचनक ठारे पूर्वतन बीजेपी विधायक प्रार्थी रंजन पोलेंक नेतृत्व में पुष्पगुच्छ उपढ़ौकन देवा सह भव्य संबोधन कराइथिला। एथिरे पांड्य मंडल प्रभारी सूर्यनारायण दास नारायण बेहरा अशोक साहू अशोक बेहरा केदार महाराणा रिंकू महापात्र पीतवास पंडा कांग्रेस प्रधान करमा स्वाई राजा पोले प्रहलाद साहू राजकुमार भोसेल महेश्वर दोरा भिकारी सेनापति समेत बहु बीजेपी नेता जोगदे संबोधन जनाइथिले। चौद्वार थाना अंतर्गत दुधियानाली मुंडासाई स्थित फुटबॉल पड़िया निकट में गतकाली संध्यारे एसआई विक्रम बेहरा और स्पेशल स्क्वाड मिलित सहयोग में किसी असामाजिक लोक गंजा लड़ी लगी योजना करथिबा नै सूचना पाइथिले। सेठारे चढ़ाऊ करा समय यह खेल मुख्य अभियुक्त डालीजुड़ा अंचल शिव मल्लिक एवं अन्य सहयोगी खोर्धा जिला पटिया अंचल निहार रंजन राउत कटक पीड़ानाशी अंचल संतोष बेहरा टांगी हरिडापाल अंचल पूर्णचंद्र महंत खोर्धा रंगमाटिया अंचल सत्यव्रत साहू टांगी अभयपुर भगत पल को गिरफ करता बेले सेमानक निकटरु नगद 33,580 टंका सहित 7 गंजा गोटे धारुआ छुरी एवं नाली रंगर बजाज आवरेज गाड़ी जबत करी सेमानक कोर्ट चालाण कर जनापड़ी। प्रबल शीतरे थरुछि सारा ओडिशा। आगामी 2-3 दिन जाए राज्य में शीत लहरी जारी रहा आहरी बढ़ी सतर्क करिछि पाणिपाग विभाग। गतकाली रात्रि दारिंगबाड़ी को राज्यर सबुठारु थंडा सहर भाबे रेकर्ड कराइछि। एठारे गत रात्रि सर्वनिम्न तापमात्रा 3.5 डिग्री रहिथिबा बेले 19 स्थान में तापमात्रा 10 डिग्री तले रेकर्ड कराइछि। तेबे आज रात आहरी थंडा अनुभूत हेबो बोली पाणिपाग विभाग सतर्क कराइछि। गजपति जिलापाल लिंगराज पंडा एसपी जयराम शतपथी निर्देश अनुसार जिला अबकारी अधीक्षक सुब्रत कुमार सेठी प्रत्यक्ष तत्वावधान में चोरारे चाष कर 106
0.84 ଏକରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛକୁ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଆରୁଦେଗିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନୁଗୁର ପଞ୍ଚାୟତର ନାଉଡ଼ି ପଦରରେ ବ୍ୟାପକ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆରୁଦେଗିରି ଥାନା ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ନାଉଡ଼ି ପଦର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 106.84 ଏକର ଜମିରେ ଏହି ଚୋରା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 2,13,680 ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛକୁ କଟାଯାଇ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟିକା ସୁନିନ୍ଦା ଦାସ ଆଜି ରସଲପୁର ବ୍ଲକର ବନ୍ଧହିଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ରାକେଶ ଦେଓ, ବିଚିତ୍ର ମହାନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନରେ ବନ୍ଧହିଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳା ଓ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କର୍ମୀ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ।